हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गूगल के gmail.com के ऊपर किस तरह से आप अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी ये मैंने देखा है, जो नए लोग होते हैं उनको ये पता नहीं चलता कि जीमेल के ऊपर किस तरह से हम अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देन प्लीज फॉलो मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर कंप्यूटर ब्राउजर, जो भी आपके पास हो, मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम। मेरे पास गूगल क्रोम है। देन आई एम ओपनिंग माई गूगल क्रोम। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे gmail.com टाइप करना है। बहुत इजी है। जीमेल पे अपना आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें ऑलरेडी मेरे पास मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो इसमें मैंने ओपन किया हुआ था, तो मैंने उसको लॉग आउट नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव नीड टू लॉग आउट माई प्रीवियस अकाउंट एंड आफ्टर दैट टू क्रिएट न्यू वन। सो प्लीज फॉलो मी विद केयरफुली एंड इट इज वेरी इजी टू क्रिएट योर ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले यहां पर आ रहा है एड एन अकाउंट, तो आपने ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट अब नीचे लिखा हुआ है यहां पे क्रिएट अकाउंट, तो आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से पेज अपलोड नहीं हो रहा है, बट पेज अपलोड हो चुका है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो फील्ड्स आ रही हैं इनको आपने फुलफिल करना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये करने में भी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा इसको देखिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप योर फर्स्ट नेम प्रिंस एंड लास्ट नेम इज योर शर्मा, जो भी आपका नाम हो। फिर चूज योर यूजर नेम। अब जो आपने फर्स्ट और लास्ट नेम डाला है इसको भी आप यहां पे पुट अप कर सकते हो, प्रिंस शर्मा। अब ये यहां पे बता देता है अगर ये प्रिंस शर्मा के नाम से अगर किसी और ने आईडी बनाई होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं होगी तो इसमें फिर आप अपना इसके एंड में या फिर कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं, 0123 भी डाल सकते हैं, ये भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपल करते हैं पीएस पीएस 1982। अब चेक करते हैं इसको, ये ठीक है। अब इसके लिए आपको रखना पड़ेगा पासवर्ड। अब आप अपना पासवर्ड कोई भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, चाहे मोबाइल नंबर 9318745193 9318745193 9318745193 9318745193। उसके बाद आपको डालनी पड़ेगी अपनी डेट ऑफ बर्थ।
जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। और यहाँ पर जेंडर मेल, और आपका यहाँ पर फोन नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे अगर आप डाल लें तो बेटर है, उससे आपका फोन आपका ईमेल आईडी भी सिक्योर रहेगा। और यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये कोड दिया होता है यहाँ पे कैप्चा कोड, अगर आप इसको अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और नीचे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, एंड उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। और ये आपका ईमेल आईडी बन चुका है। अब ये बोल रहा है गो कंटिन्यू टू जीमेल, और ये आपका ईमेल आईडी बन चुका है। अब इसको आप यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपका यहां पर जीमेल के ऊपर प्रोफाइल बन जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप काट भी सकते हैं ऊपर से। अब ये आपके इनबॉक्स में जीमेल के थ्रू जो है 3 ईमेल आई हुई हैं, इनको क्लिक कर लीजिए। और ये इस तरह से आपका ईमेल आईडी, यहां पर भी आपका ईमेल आईडी शो करता है ऊपर, यहां पे क्लिक करना पड़ेगा आपको और यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने किसी को मेल करनी है तो कंपोज के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहां पर जिस भी किसी बंदे को आपने मेल करना है वहां पे टू में टाइप कीजिए और सब्जेक्ट में, और नीचे अपना मैसेज डाल दीजिए। फिर इसको सेंड करने के बाद आप सेंड मेल में भी चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आपका ईमेल आईडी बहुत इजीली जीमेल के ऊपर बनाया जा सकता है। अब मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। धन्यवाद।